बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू JS ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट। नाउ इट्स टाइम फॉर अ मैथ। ओके, नाउ वी स्टार्ट लेक्चर नंबर 11 अबाउट लीनियर इनइक्वालिटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द इनइक्वालिटी सिंबल्स। दिस सिंबल लेस देन ग्रेटर देन साइन, लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, जब नीचे लाइन आ जाएगी वो इक्वल को भी रिप्रेजेंट करेगी। हमारे पास केस है 1, जब हम ऐड करेंगे बोथ साइड पे कोई भी नंबर इनइक्वालिटी में तो हमारे पास साइन सेम रहेगा, और सेम अगर सबट्रैक्ट भी करेंगे तब भी हमारे पास साइन सेम ही रहेगा, चाहे वो ग्रेटर देन का हो, ग्रेटर देन इक्वल का हो, लेस देन हो और या लेस देन इक्वल का। माइंड में रहे एक बात कि जब हम ऐड करेंगे कोई भी रियल नंबर, ए यहाँ पर रियल नंबर को डिनोट कर रहा है, रियल नंबर मींस 1, 2, 3, 4 समथिंग, कोई सा भी नंबर है वो हम कोई भी नंबर ऐड करेंगे बोथ साइड पे या सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारा इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। वो जो हमारे पास गिवन होगा ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन इक्वल होगा, लेस देन होगा, लेस, वो सेम एज इट इज़ रहेगा। बट हमारे पास मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, देखें अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं तब भी हमारे पास साइन सेम रहेगा। ग्रेटर देन है तो बोथ साइड पे ग्रेटर देन रहा, ग्रेटर देन इक्वल है तो ग्रेटर देन इक्वल रहा, लेस देन है तो लेस देन रहा, लेस देन इक्वल है तो लेस देन इक्वल रहा, अगर हमने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है या पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया है। ओके, सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा साइन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। ग्रेटर देन किस में कन्वर्ट हो गया, लेस देन में। देखें मल्टीप्लिकेशन में भी और डिवीजन में भी। और ये जो डी है, डी किससे डिनोट कर रहा है, नेगेटिव नंबर को डिनोट कर रहा है, सी पॉजिटिव नंबर को, और डी हमारे पास है डी एक्स, हमारे पास नेगेटिव रियल नंबर, फॉर एग्जाम्पल -2, -5 कुछ भी। तो हमारे पास नेगेटिव नंबर अगर तो मल्टीप्लाई हो रहा है और डिवाइड में हो रहा है तो हमारे पास साइन जो है वो रिवर्स हो जाएगा। बस यही चीज़ है जो आपने माइंड में रखनी है। When solving a linear inequality of the form ax plus b greater than cx plus d, apply the above guidelines to reduce the inequality to the form x greater than k or x less than k. K हमारे पास यहाँ पर real number को denote कर रहा है। This is called the solution of the inequality. For the investigation, we can conclude that if we multiply or divide both sides of an inequality by a negative number, we will have to reverse the inequality sign. अभी जो मैंने आपको बताया, क्योंकि मेन यही चीज़ है कि या अगर आप ऐड कर रहे हैं, अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो तो हमारे साइन पे कोई इफेक्ट नहीं आता। बट नेगेटिव आप डिवाइड या और मल्टीप्लाई कर रहे हो नेगेटिव नंबर से तो हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन जो है वो रिवर्स हो जाएगा। इफ़ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई एंड डी लेस देन जीरो, डी हमारे पास क्या है, नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, देन डी एक्स लेस देन इक्वल टू डी वाई। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन था किसमें कन्वर्ट हो गया, लेस देन इक्वल टू में। ओके, और इसी तरह डिवीजन में भी ये रिवर्स हो गया। टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 3A, क्वेश्चन नंबर 5 AEF पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 6 का CEF पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज इलस्ट्रेटेड ईच सॉल्यूशन ऑन अ नंबर लाइन। हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा उसको नंबर लाइन पर हम शो करेंगे। क्वेश्चन है -5x लेस देन 25। अब यहाँ देखिए नेगेटिव नंबर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है और वही डिवाइड होगा तो हमारे पास जो इनइक्वालिटी का साइन है वो रिवर्स हो गया। लेस देन का साइन किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रेटर देन में, और 5, 5 = 25 तो -5 आया, तो x ग्रेटर देन 5 है तो हमारे पास ग्रेटर देन मतलब -5 से राइट साइड पे शिफ्ट हुआ तो वो ग्रेटर देन हो गया और एरो को हमने उस तरफ बना दिया। ओके, ई पार्ट है 4 × p + 1 लेस देन -3 × p - 4। हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 4p + 4 लेस देन -3p + 12। अब -3p जब शिफ्ट होगा तो प्लस पी में कन्वर्ट हो गया, 7p लेस देन 9 आया। अब यहाँ पॉजिटिव नंबर है तो साइन हमारा एज इट इज़ रहेगा। 9/7 आया, डेसिमल में किया तो 1.28 आया, तो हमारे पास लेस देन है तो 1.28 से लेस देन की तरफ आपका एरो शो करेगा। ओके, एफ पार्ट है 6 - 1 - 2q ग्रेटर देन इक्वल टू 3 × 5q - 2। अब यहाँ पर पहले माइनस जो है इसको करेंगे, माइनस है तो -1 and -2q, 3y - 2q। अब हमारे पास 6
माइनस वन है तो हमारे पास फाइव हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस टू की हो गया. ओके यहाँ पर इन्होंने अभी ब्रैकेट को यहाँ पर इन्होंने ख़त्म नहीं, अगर यहाँ से हम ब्रैकेट को क्रॉस कर दें तो ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ से ब्रैकेट क्रॉस करेंगे तो माइनस सिक्स माइनस वन फाइव हो गया और टू क्यू एज इट इज़ आ गया. नेक्स्ट थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन एंड माइनस थ्री टू ज़ा सिक्स, और 5 प्लस 6 अब चूंकि 15 क्यू है, ये हमारे पास ग्रेटर वैल्यू थी, हमने इधर शिफ्ट नहीं की ताकि हमारे रिवर्स ना हो, कर देंगे तब भी हमारा रिवर्स हो जाएगा. तो हमारे पास देखें ग्रेटर देन इधर था तो ऑब्वियसली वो रिवर्स हो जाएगा, 2 क्यू इधर माइनस हुआ तो 13 हो गया, जो ग्रेटर देन का साइन था वो ऑब्वियसली लेस देन में कन्वर्ट हो गया. तो हमारे पास क्या आ गया 13 क्यू, तो हमारे पास 13 क्यू जो है 13 11 डिवाइड बाय 13 हुआ 0.84, तो हमारे पास क्यू जो है वो 13Q था, यहाँ पर देखें 13Q लेस देन आ रहा है, और जब अगर आप इस तरफ लिखते भी हो तो आपका साइन इधर रहेगा, लेस देन रहेगा. ठीक है, क्यू लेस देन हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर क्यू की वैल्यू पॉजिटिव थी, इधर लेस देन हुआ, अगर लिखेंगे भी तो लेस देन में कन्वर्ट होगा. क्यू लेस देन 0.84 है तो हमारे पास नंबर लाइन ठीक बनी है, 0.84 से ये लेस देन ही जा रहा है. ओके ई पार्ट है हमारे पास माइनस टू ई माइनस वन लेस देन इक्वल टू टू है, हमारे पास माइनस टू ई माइनस वन उधर जाके प्लस वन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारे पास हुआ ये यहाँ पर माइनस वन कट जाएगा, यहाँ पर ये माइनस वन नहीं रहेगा. तो माइनस टू ई थ्री है तो ये हमारे पास देखें माइनस टू जब डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारे पास ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर भी ई ग्रेटर देन माइनस 1.5 है, माइनस 1.5 से ग्रेटर देन है तो हमारे पास नंबर लाइन बिल्कुल ठीक शो की गई है. क्वेश्चन नंबर सिक्स का ए सी पार्ट है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज. सी पार्ट है सी प्लस फोर डिवाइड बाय फोर ग्रेटर देन सी प्लस वन डिवाइड बाय थ्री. सबसे पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे उसको, थ्री इंटू सी प्लस फोर एंड फोर इंटू सी प्लस वन, तो थ्री सी प्लस ट्वेल्व एंड फोर सी प्लस फोर. अब ट्वेल्व हमारे पास फोर सी, क्योंकि चूंकि बड़ी वैल्यू थी तो हमारे पास थ्री सी उधर हो गया तो सी इधर आ गया, और हमारे पास ये देखें 8 ग्रेटर देन सी मीन सी लेस देन 8 है, और इसमें आपको नंबर लाइन पर शो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें इसकी कमांड नहीं दी गई. ई पार्ट है इसका 1 ओवर 4 ई माइनस 2 प्लस 2 ओवर 3 लेस देन 1 ओवर 6 इंटू ई माइनस 4. 1 ओवर 4 अब हमारे पास प्लस 2 ओवर 3 है. अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 4 3 ज़ा 12 है, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू ई माइनस 2 प्लस 8 है, और यहाँ ई माइनस 4 डिवाइडेड बाई 6 हो गया. सॉल्व किया 3e माइनस 6 प्लस 8 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्व करने के बाद 3e प्लस 2 डिवाइड बाई 12 लेस देन e माइनस 4 डिवाइड बाई 6 है, 6 इंटू 3e प्लस 2 हो गया और 12 इंटू e माइनस 4. सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 6e लेस देन माइनस 60, 18e में से आप 12e माइनस करोगे तो आपके पास आ गया 6e. अब ई देखें हमारे पास, आप कहोगे यहाँ पर भी तो नेगेटिव आ रहा है, लेकिन नेगेटिव हमारे पास इससे ई से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, क्लियर हो गया. तो अगर हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू के साथ नेगेटिव है या पॉजिटिव है तो हमारे इनइक्वालिटी के साइन को चेंज नहीं करेगा, हमारे पास सिंपल आंसर आ जाएगा माइनस ई माइनस 10. एफ पार्ट है एफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 एफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 लेस देन इक्वल टू 3 एफ माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2. एलसीएम लेंगे 2 और 4 का, एलसीएम 2 टू ज़ा 4 2 इंटू एफ प्लस 1 और प्लस 3 एफ प्लस 1, 4 एलसीएम आया 3 एफ माइनस 1 एंड 2 4 ज़ा 8. सॉल्व किया तो हमारे पास 5 एफ प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 लेस देन इक्वल टू 3 एफ प्लस 7 डिवाइडेड बाई 4 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4 इंटू 5 एफ प्लस 3 एंड 4 इंटू यहाँ पर भी आएगा 4 इंटू 3 एफ प्लस 7, तो 4 3 ज़ा 12 है प्लस 4 7 ज़ा 28 और 4 5 ज़ा 20 प्लस 4 3 ज़ा 12, 20 एफ माइनस 12 एफ हमारे पास आएगा 8 एफ लेस देन इक्वल टू 16 और f आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 2. ओके स्टूडेंट्स, होमवर्क है आपका एक्सरसाइज नंबर 3A क्वेश्चन नंबर 5 का बी सी डी पार्ट. फिर से आपको रिपीट कर रहे हैं इस बात को कि आपको हमें सिर्फ होमवर्क के क्वेश्चन रिक्वायर्ड हैं, आपने क्लास वर्क का काम किसी भी रफ रजिस्टर पे कर सकते हो. आपका जो जर्नल 2 है जिस पर आप अब ये क्वेश्चन कर रहे हैं होमवर्क, तो उसमें आपके सिर्फ जो होमवर्क के पार्ट्स हैं आपने उनको करके सबमिट करवाना है. ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.